अपने आप को रोज इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, अपना कंपैरिजन खुद से करना स्टार्ट करोगे, खुद को टाइम देना स्टार्ट करोगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करोगे, तो सिर्फ तू समझ सकता है खुद का, खुद वही ना, खुद को पहचान, वो तू ही पहचान सकता है खुद को, और अपने आप को एनालाइज भी तू ही कर सकता है, एंड देन फाइंड कि अच्छा आज यार ये कमी रहेगी। तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, मैं कोशिश करने से कभी इस्तीफा ना दूंगा। इन लाइनों के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करना चाहता हूं। सिंस मैं इतने ज्यादा बच्चों से जुड़ा हुआ हूं, तो एक बहुत ही कॉमन डाउट मेरे पास बच्चे लेकर आते हैं कि सर हम मोटिवेटेड कैसे रहें। सर 2 दिन तो एकदम जोश एकदम हाई रहता है, उसके बाद फिर वही लो एनर्जी एंड ऑल। सर 2 दिन ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं जो उखड़वाना है वो उखाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, एंड फिर अगेन सेम अगेन वही बैक टू स्क्वायर वन। तो सर हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें? ये वीडियो हर उस बंदे के लिए यूजफुल रहेगी जो लाइफ में किसी गोल को किसी टारगेट को अचीव करना चाहता है। प्रॉब्लम्स तो है ही, उसको कैसे उन चीजों से बाहर निकले, कैसे अपने आप को संभाले एंड चीजों को मैनेज करे सो दैट थिंग्स आर राइट इन देयर प्लेस। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक राइट अप्रोच दे सकूं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मोटिवेशन? ये मोटिवेशन क्या है? बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैं ना लगातार पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरा दोस्त है वो 16 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 5-6 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तो सर आई एम हाईली डिमोटिवेटेड, आई डू नॉट नो हाउ टू स्टे फोकस्ड, आई एम हाईली डिमोटिवेटेड। देखो अपने आप को बिजी रखना और परमानेंटली मोटिवेट रहना, दीज आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। आप कुछ ना करके भी मोटिवेटेड हो सकते हो, आप सिर्फ खाली बैठे हो दैट डजंट मीन कि आप मोटिवेटेड नहीं हो। मेरे अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज समथिंग कि आप लगातार कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, चाहे वो सोच ही रहे हो, नॉट नेसेसरली कि कुछ एक्शन ही होना चाहिए, कोई टेंजिबल गेन ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरली, चाहे आप सिर्फ सोच ही रहे हो उस डायरेक्शन में कुछ एफर्ट कर रहे हो, देन यू आर मोटिवेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर गोल और टारगेट। बेटा अगर 2 दिन तू नहीं पढ़ पा रहा है और ये सोच के तू परेशान है कि हाय मैं 2 दिन नहीं पढ़ पाया, तो यू आर मोटिवेटेड इनफ बिकॉज यू हैव सम गोल एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, ट्राइंग टू फाइंड सम वेज। कुछ प्रॉब्लम है एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि भाई मैं किसी तरह से इस प्रॉब्लम से निकल पाऊं, कि मैं इतना फोकस क्यों नहीं रह पा रहा हूं, दैट मीन्स यू आर मोटिवेटेड। हर वक्त सेम एनर्जी का ग्राफ नहीं रह सकता। सेम एनर्जी का ग्राफ अगर आपका है दैट मीन्स यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू आर अ मशीन। इंसान का ग्राफ हमेशा ही साइनोसोइडल होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर मैं परमानेंट एक एनर्जी के साथ काम करता रहा तो मैं ह्यूमन हूं ही नहीं, आई एम अ मशीन। तो अगर आप कभी एनर्जी में लो हो तो यह मत समझो कि यार मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। शेर भी पूरे दिन शिकार नहीं करता है, वो रेस्ट करता है, आप देखो ना वो रेस्ट करता रहता है, अपने टारगेट को देखता रहता है, एंड जब राइट टाइम आता है वो हिट करता है उस पर। इसका मतलब ये नहीं था जब वो बैठा था हमें लग रहा था कि बिल्कुल डोरमेट एक्टिविटी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो उस टाइम पे वो एनर्जी गेन कर रहा था, एंड फाइनली सीधा उस पॉइंट पे हिट करेगा जब उसको करना है। वो प्लानिंग कर रहा था, वो देख रहा था, वो राइट टाइमिंग की वेट कर रहा था। तो आप भी अगर 2 दिन सिर्फ और सिर्फ प्लान ही बना रहे हो, जो पहले प्लान बना था वो अब एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कुछ सुधारना चाह रहे हो, दैट मीन्स यू आर मोटिवेटेड एंड यू आर वर्किंग फॉर दिस। एक प्रॉब्लम है सर, अंदर से आवाज तो ऐसी है कि जैसे मैं बस कुछ करता रहूं। सर जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सर दिल में आग इतनी है कि जस्ट मतलब पूरा दिन बस मतलब ऐसी इतनी मेहनत करूं कि यार एग्जाम निकल ही जाए, ठीक है, लेकिन सर पता नहीं अपने आप ना थोड़ी सी एनर्जी लो हो जाती है, फिर दोबारा अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है। तो ये मोटिवेशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली यू आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन एफिशिएंटली कैसे इस मोटिवेशन को आप अपने फेवर में यूज करो।
अब होता क्या है, आज के टाइम पे रिसोर्सेज इतने ज्यादा हो गए हैं, हमारा माइंड इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका है, भाई डेफिनेटली वो थकेगा ना यार। लगातार 16 घंटे पढ़ थोड़ी ना सकते हैं, और आप पढ़ भी रहे हैं तो जो एफिशिएंसी आपकी स्टार्टिंग में थी वो एफिशिएंसी एंड तक मेंटेन रहेगी थोड़ी ना यार। कॉन्टिन्यूअसली जब दिन में 4 घंटे आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो माइंड में कितने थॉट्स जा रहे हैं। अब माइंड की तो प्रोसेस मतलब एक लिमिटेड थॉट्स को ही प्रोसेस कर सकता है ना, हर जितना भी देते रहोगे उतना लेता थोड़ी ना रहेगा माइंड। तो जब इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है मेरा माइंड, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि शाम होते होते थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाए, या 4 दिन बहुत हाई एनर्जी रह के और फिर 5 दिन डाउन हो जाए। तो सर मैं करूं क्या? इसके लिए बेस्ट है थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा सा होना चाहिए ना यार, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा लोगों से बात करो, स्टैंड अप कॉमेडीज देखो, घर वालों से बात करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, मौज मस्ती करो। उस टाइम पे एक्चुअली आप अपने माइंड को एनर्जी फीड कर रहे हो, सो दैट इट कैन वर्क फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और डेज। अब होता कुछ बच्चे इतने ज्यादा सीरियस हैं कि सर मैं तो अपनी टेबल से उठूंगा ही नहीं, मुझे बस लगे रहना है, लगे रहना है। लेकिन बेटा सिर्फ मेहनत करने से जरूरी नहीं है कि आप अपने गोल को अचीव कर ही लो, बहुत सारे और फैक्टर हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, हार्डवर्क अलोंग विद इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस वो नहीं है जो आप सुनते हो बचपन से कि तो पैदा इंटेलिजेंट हुआ था, नहीं, स्मार्ट वर्क, अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना। अगर 2 क्लासेस हैं, बीच में 15 मिनट का गैप है, उस टाइम पे फोन पे ना लगे रहना और सिर्फ जस्ट रिलैक्स कर जाना, इज इंटेलिजेंस, इज स्मार्ट वर्क, बिकॉज उस टाइम पे आपने अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दिया है। अगर 15 मिनट का गैप मिला है एंड यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम और सम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दैट टाइम, व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग? अपने माइंड को कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाई कर रहे हो, भाई वो थकेगा, भाई वो थकेगा। तो दिस इज स्मार्ट वर्क कि आप जब भी टाइम मिले थोड़ा सा रिलैक्स करो, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ, थोड़ा सा घूम फिर के आओ, पार्क में जाओ, ठीक है, एक्सरसाइज करो, थोड़ा बॉडी भी तो थोड़ी सी ढंग से मेंटेन रहनी चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन भी तो सही होना चाहिए। सिर्फ बेंच पे बैठ के पढ़ने से नहीं होगा ना यार चीजें, थोड़ा सा हर चीज में इन्वॉल्व रहो, घर वालों से भी बातचीत करो, अच्छा अच्छा खाना भी खाओ, सब कुछ करो। देन ऑटोमेटिकली जब बॉडी आपकी चार्ज्ड अप है, दिमाग में आपके फिट है कि मुझे ये करना है, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, यू विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। सर जब भी मैं कोई इंस्पिरेशनल, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ ना, जैसे मैं अगर मान लो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ तो जो अपने हीरोज हैं मैं उनको देखता हूँ, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं देखता हूँ, तो इतना चार्ज्ड अप हो जाता हूँ। लेकिन वो एनर्जी ना सर सिर्फ 2 दिन चलती है, उसके बाद अगेन मैं थोड़ा सा सेम वही एवरेज से उस पर आ जाता हूँ। तो सर मुझे ना हर वक्त उसी एनर्जी पे मेंटेन रहना है, लेकिन वो जो वीडियोज है ना, वो जो भी स्टोरीज हैं, वो सिर्फ कुछ टाइम तक मुझे रख पाती है। सर हाउ कैन आई बी परमानेंटली दैट चार्ज अप? देखो मैंने स्टार्टिंग में चीज क्लियर करी, पहली बात तो उतनी आप परमानेंटली चार्ज अप रह नहीं सकते, बट इसमें मेरा क्वेश्चन कुछ किसी और तरह से मैं लेना चाहता हूं कि सर हाउ टू स्टे परमानेंटली मोटिवेटेड? पहले फैक्टर्स तो आप क्लियर करोगे, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम तो दोगे ही, एक्सटर्नल फैक्टर्स लेना बंद करो अपने मोटिवेशन के लिए। मैं हमेशा बताता आया हूं अपने स्टूडेंट्स को, सेल्फ मोटिवेशन इज द की, ओनली सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को सिर्फ आप जानते हो। अगर कोई बंदा 16 घंटे पढ़ रहा है और आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, दैट डजेंट मीन कि आप किसी भी तरीके से आप उससे इंफीरियर हो। अगर आपने ये सोच लिया कि आप इंफीरियर हो, तो आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, आपका माइंड भी थोड़ा सा सैड हो जाएगा, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट आपको करना है, अरे मेरा ये टारगेट था, मैंने ये कर लिया है अचीव, आज का मेरा स्केड्यूल ये था, मैंने ये कर लिया, दैट इज इनफ। इतना करके भी अगर मेरे किसी एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं और फिर आप वही यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरा तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तो कैसे होगा, ये सोच के इन थॉट्स को आप आने दे रहे हो और इन्हीं को सोचे जा रहे हो, देन अगेन योर माइंड विल बी सैड एंड यू विल बी वेरी लो इन एनर्जी। सेल्फ मोटिवेशन इज द की। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो, बाहर के एक्सटर्नल फोटो से, एक्सटर्नल फैक्टर से ना तो मोटिवेशन लो और ना ही डीमोटिवेशन लो। अरे जो बाहर चीजें चल रही हैं वो किसी भी तरह से अगर आपको इफेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली आपके एक्शंस पे चेंज आएगा ही आएगा।
आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आज जब सुबह उठे थे आपके क्या टारगेट थे। अगर आप वो पूरे कर पा रहे हो देन यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। आपका कोई दोस्त है जो आपसे ज्यादा मार्क्स ला रहा है कम पढ़ के, तो आप डीमोटिवेटेड नहीं होगे, आप सोचोगे देखोगे कि वो ऐसा क्या कर रहा है, कहीं वो स्मार्ट स्टडी तो नहीं कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं वो कुछ अलग तो नहीं करके दिखा रहा है जो मैं कुछ मिस कर रहा हूं। स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट टेकिंग एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की। कोई और बंदा आके नहीं कर सकता। आज मैंने ये वीडियो बना दी है, मे बी आपको लगे अरे सर ने तो बिल्कुल सही बात पकड़ ली है, दुखती नब्ज को पकड़ लिया है, लेकिन ये शायद दो ही दिन चलेगा, उसके बाद फिर वही, फिर किसी और की वीडियो चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे जो लगातार हाउ टू स्टे मोटिवेटेड सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे। अरे आपके अंदर छिपा है कैसे मोटिवेट रहना है, वो आपके अंदर छिपा है, बाहर आके कोई नहीं बताएगा। सुमित सर हर बार आके नहीं बताएंगे आपको कैसे रहना है, और हर वक्त तो मैं अवेलेबल भी नहीं हूं ना। किसी के बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं तो डीमोटिवेटेड है। अरे जो बीत गया वो गया, जो आगे आना है वो तेरा फ्यूचर है। उस जो बीत गया वो तेरा तेरी लाइफ का पार्ट है, उसको ले, सोच समझ क्या करना है, अब आगे डिसाइड कर। उसको लेके चार दिन सोचता रहेगा मेरे तो 60% मार्क्स ही आए हैं, पता नहीं मेरा कुछ होगा नहीं होगा। वो है ना, वो एक किसी मैंने एपिसोड में देखा था, वो कहता है कि मतलब IIT के एग्जाम से पहले लिखा था, 100 बंदों के नाम लिख दिए कि जो ये आज के टाइम के रिचेस्ट बंदे हैं वर्ल्ड के, और इनमें से कोई भी IIT नहीं था या कि कोई भी टॉपर नहीं था। ठीक है, तो यार जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में या किसी भी एक पर, कुछ भी किसी भी तरह से लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे आप उतना शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे IAS ऑफिसर्स मैं ऐसे दिखा दूंगा जिनके बोर्ड में मार्क्स 45-50% है एंड दे आर ऑफिसर्स राइट नाउ, नॉट नेसेसरली हर एग्जाम में टॉप करने वाला ही आज सब कुछ कर रहा हूं। सर आप कहना क्या चाहते हो, हम करें क्या? अगर मैं इन शॉर्ट बता पाऊं तो यार अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करो। सिर्फ अपने आप को टाइम दो और सोचने की कोशिश करो, आज जो मैंने करा उसमें मैंने कहां क्या गलती करी, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी टारगेट टेबल वाली, कि आप अपने टारगेट सुबह उठ के डिसाइड करो कि आज मुझे ये करना है। अगर वो ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट यू आर अवेयर कि मेरे टारगेट पूरे नहीं हुए हैं एंड आई हैव टू वर्क ऑन दिस। और किसी और से सजेशन मत लो। मेरे पास फोन आते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा ये सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, ये कैसे मैनेज करें। अरे मैं तुम्हारी सिचुएशन में नहीं हूं, मेरी सिचुएशन तुम्हारी सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। तुम जो घर पे, तुम्हारे जो घर का माहौल है, तुम्हारे जो अंदर की एनर्जी है, आई कांट अंडरस्टैंड, वो सिर्फ तू समझ सकता है खुद का, खुद वही ना, खुद को पहचान, वो तू ही पहचान सकता है खुद को, और अपने आप को एनालाइज भी तू ही कर सकता है। एंड देन फाइंड कि अच्छा, अगर आपको मेरी बातें कहीं से थोड़ी सी भी काम की लग रही हैं, तो इन सारी बातों को, इन सारे थॉट्स को थोड़ा सा फैलाओ अपने यारों दोस्तों को जो किसी भी लाइफ के किसी भी फेज से गुजर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में शायद इस वीडियो ने 10% ही कुछ इंप्रूवमेंट करी हो या 1% ही करी हो, लेकिन शायद किसी और की लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा कर सके। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब टू लर्न विद सुमित। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप की वीडियोस लगातार बनाता रहूं, आपके लिए एक एनर्जी का सोर्स बना रहूं। कुछ आप खुद मेहनत करो, कुछ मैं आपको चार्जअप करूंगा, मिलके कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।